हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब ये मत कहना कि आपने जैकेट क्यों पहनी। तो मैंने जैकेट इसलिए पहनी है क्योंकि आज काले मेघ बहुत ज्यादा ही बरस रहे हैं और ठंड बहुत जोर से लग रही है, इसलिए मैंने अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जैकेट पहनी है ताकि मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लाजवाब वीडियो बिना किसी रुकावट के। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सोनू सूद जी का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपर हीरो सोनू सूद जी। वो फिल्म इंडस्ट्री में ही सुपर हीरो नहीं है बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी सुपर स्टार है, जिन्होंने कोरोना काल जैसे महासंकट में काफी ज्यादा मात्रा में लोगों की सहायता की और लोगों के मसीहा बन गए और आभार प्रकट करते हुए दूसरी तरफ लोगों ने भी किसी ने अपने बच्चे का नाम उनके नाम पे रखा तो किसी ने अपनी दुकान उनके नाम पे खोली। लेकिन तेलंगाना के एक गांव में लोगों ने सोनू सूद जी को भगवान का दर्जा दिया है। भगवान का दर्जा देते हुए लोगों ने सोनू सूद जी के नाम से मंदिर भी बनवाया है और सोनू सूद जी की मूर्ति बनाकर उस मंदिर में स्थापित की गई और सोनू सूद जी की आरतियां भी गई। ये सब करते हुए लोगों ने सोनू सूद जी को सम्मानित किया है। जहाँ पर सोनू सूद जी के मंदिर की स्थापना की गई है वहाँ के लोगों का कहना है कि यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमने सोनू सूद जी का मंदिर बनवाया है। लोग सोनू सूद जी से बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी ओर सोनू सूद जी अपने प्रति इतना ज्यादा लोगों का प्यार देखते हुए काफी विनम्र महसूस करते हैं। जब इस बारे में सोनू सूद जी का बयान लिया गया तो बयान में सोनू सूद जी ने कहा कि वह उनके लिए काफी भावुक पल है, पर उन्होंने कहा कि मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं बस एक आम आदमी हूँ जिसने अपने भाइयों और बहनों की सहायता की है। दरअसल मुंबई के लॉकडाउन में जब मजदूर प्रवासी फंसे हुए थे तब सोनू सूद जी ने उनकी मदद करते हुए देश के अलग अलग इलाकों में स्थित उनके घरों तक पहुंचाकर उनकी सहायता की थी। सोनू सूद जी और उनकी टीम ने एक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी मजदूरों के लिए जारी करवाया था। सोनू सूद जी ने मजदूरों के लिए बस, ट्रेन और यहाँ तक कि फ्लाइट का इंतजाम भी किया था। साथ ही साथ मजदूरों के खान पान का इंतजाम भी सोनू सूद जी ने ही करवाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए